अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अब्दुल कशफ खातरी जिसको पीडीएक लगाया गया था और अब तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया और इसमें बताया गया कि इलीगल तरीके से पीडीएक इनको डाला गया है, जबकि राजा सिंह को भी डाला गया था, लेकिन राजा सिंह को बेल मिल चुकी है क्योंकि राजा सिंह के ऊपर कई ऐसे केसेस हैं लेकिन कशफ के ऊपर कोई ऐसे गंभीर केसेस नहीं है। फिर उनको क्यों रखा गया है, यानी पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालात हैं। अब इस तरह से पुलिस की अगर हम कार्रवाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस गलत नज़र आती है। जिस तरह से पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से पुलिस अपने काम की जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है, ये आने वाले वक्त में ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अवाम के प्रेशर से राजा सिंह को आनन फानन में गिरफ्तार किया था, पीडीएक भी डाला गया था, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आ गए हैं। फिर कशफ की ऐसी क्या गुनाह है जो अभी तक वो अंदर है। ऐसे ही कई बातों का जज के सामने रखा गया, कोर्ट के सामने रखा गया। उम्मीद है कि बहुत जल्द कशफ भी बाहर होंगे क्योंकि कानून पर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस उस काबिल नहीं है काम करने के या इंसाफ दिलाने के, लेकिन हमारे इस मुल्क का संविधान सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, हमें उस पर ही यकीन रखने की ज़रूरत है। इनके एडवोकेट एम ए अजीम तो दिलाया कि बहुत जल्द कशफ बाहर रहेंगे।